जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड यानी कि PGVCL विद्युत सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2019-2020 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी रिसेंटली इसके एलिजिबिलिटी के बारे में वीडियो बनाई है जिसमें कि मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है कि कौन लोग इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल है और कौन लोग आवेदन करने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मैं आपको इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ, तो आप पहले वो वीडियो वॉच कर ले और उस वीडियो को वॉच करने के बाद अगर आपको लगे कि आप इसमें आवेदन करने के लिए एलिजिबल हो तो आप आगे इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो इसी वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म फिलअप किया जाएगा और मैं आपको इस वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से इस लिंक को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये वेबसाइट आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी और अब जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ आपको इन स्टेप्स को फॉलो करते जाना है। तो यहाँ पर आने के बाद आप अपनी पोस्ट जो कि है विद्युत सहायक जिसको इंग्लिश में जूनियर असिस्टेंट बोलते हैं ये आप देखोगे, इसके सामने दिया है न्यू एप्लीकेंट रजिस्टर, तो आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको अपना वर्किंग मोबाइल नंबर डाल देना है, इसके बाद जो भी आपकी वर्किंग ईमेल आईडी है वो यहां पर आपको फिलअप कर देनी है। तो चलिए मैं ईमेल आईडी यहां पर फिलअप कर देता हूं। इसके बाद आप नीचे देखोगे कैप्चा कोड, जो भी कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले पर आए वो आपको यहां पर सेम टू सेम इस तरह से फिलअप कर देना है। और ये फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्टर मी के ऊपर क्लिक करना है। और मैं आपको बता दूं कि जो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यूज करोगे ये वर्किंग होना चाहिए और आप इसे जब चाहे ओपन करके देख सको ईमेल को भी और जो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आए उनको भी। तो आपको ये करने के बाद यहाँ पर रजिस्टर मी के ऊपर क्लिक करना होगा। रजिस्टर मी के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे योर एप्लीकेशन हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और यहाँ पर आपको आपकी एप्लीकेशन नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन आईडी मिल चुकी है और साथ ही आपको एक रैंडम पासवर्ड भी दिया गया है। इसके अलावा आपको मेल मैसेज के माध्यम से ये सब जानकारी भेज दी गई है। अब यहां पर आपको होम के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से सेम तरह का इंटरफेस आ जाएगा जहां से आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक किया था। अब यहां पर आपको क्या करना है, आपको लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है और जैसे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहां पर आपको वही लॉगिन आईडी फिलअप करनी है जो कि आपको मिली है, इसके बाद आपको वो पासवर्ड फिलअप कर देना है और ये करने के बाद जो भी यहाँ पर कैप्चा कोड दिया जा रहा है ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है और इसके बाद आपको सेम तरीके से यहाँ पर साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जहां पर आपको अपने इस फॉर्म को 6-7 सेक्शन के अंदर पूरा करना होगा और जो यहां पर आपका पहला सेक्शन है फिल पर्सनल डिटेल, तो यहाँ पर इसके सामने पेंडिंग दिया है और सामने दिया है फिल डिटेल, तो आपको फिल डिटेल्स के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी पर्सनल डिटेल की जो जानकारी है वो ओपन हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आपको ये सब भरनी है। तो देख लीजिए आपके सामने इंटरफेस आ चुका है। नेम ऑफ एप्लीकेंट यानी कि आपका नाम, पर इसके पहले आपको सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करके अपना यहाँ पर आप मिस्टर हो मिसिज हो या फिर अन्य हो आपको चूज कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और ये नाम आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना होगा। अगर आपका मिडिल नेम है तो डाल देना, नहीं तो खाली छोड़ देना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर अपना लास्ट नेम डालना है और ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भरना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको अपना परजेंट पोस्टल एड्रेस डाल देना है, आपकी सिटी क्या है वो यहां पर आपको मेंशन कर देनी है। इसके बाद यहां से आपको अपनी स्टेट सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आता है पिन कोड, आपके डिस्ट्रिक्ट या फिर पोस्ट ऑफिस का पिन कोड क्या है वो यहां पर आपको डालना होगा। टेलीफोन नंबर एसटीडी कोड के साथ आपको दे देना है, अगर है नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हो। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहां से आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए मैं यहां से यू आर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैरिटल स्टेटस आपका क्या हो यहाँ पर आपको चूज करना होगा, डिवोर्स या फिर इनमें से आपका अन्य स्टेटस, तो यहाँ से मैं अनमैरिड सेलेक्ट कर लेता हूँ। जेंडर आपका जो भी है वो यहाँ से आपको चूज करना होगा। इज फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप विकलांग हो, अगर हो तो आपको यस करना, नहीं तो आपको नो कर देना है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, क्या आप PGVCL के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो, अगर हो तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। अदर डिटेल जो कि है एक्स आर्म फोर्स पर्सनल, अगर आप हो तो यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। डिपेंडेंट ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, अगर आप हो तो आपको यहाँ पर यस करना है, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ देनी होगी। यहाँ पर आपको इस प्रकार से पहले अपना मंथ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको अपना बर्थ ईयर चूज करना है और फिर डे सेलेक्ट कर लेना है। इस प्रकार से आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब जितनी भी जानकारी आपने यहाँ पर भरी है
है, इन सबको एक बार चेक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव के ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देखोगे डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। अब यहाँ से आपको फिर से होम पेज के ऊपर क्लिक करना है, आप यहाँ पर होम पेज पर आ जाओगे। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरनी होगी, तो आपको इसके सामने पेंडिंग के सामने जो फील्ड डिटेल दिया है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। यहाँ पर दिया है ग्रेजुएशन डिग्री, तो यहाँ पर आपको आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको चूज कर लेनी है। तो चलिए यहाँ से मैं BA सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है फुल टाइम रेगुलर, तो यहाँ पर मैं यस करता हूँ। ईयर ऑफ पासिंग, आपने किस ईयर के अंदर अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट कर ली थी, तो यहाँ से मैं 2016 सेलेक्ट कर लेता हूँ। रिजल्ट आपका क्या था, तो यहाँ से मैंने पास सेलेक्ट कर लिया। अब आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम देना होगा, तो चलिए यहाँ से आपको अपना नाम दे देना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको अपने कॉलेज का पूरा नाम देना है। आपने किस यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन की है उसका नाम यहाँ पर आपको देना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, पर आपको पूरा नाम देना होगा। ग्रेड सिस्टम था या फिर अन्य था, तो यहाँ पर मैं परसेंटेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे डिवीजन ग्रेड, तो यहाँ पर दोस्तों मैंने परसेंटेज डाल दी है। आपको भी सेम तरीके से जानकारी देनी होगी, और मैं आपको बता दूँ कि जिसके अंदर भी आपके मार्क्स है वही आपको यहाँ पर चूज करना होगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको जानकारी भरनी है। अभी बढ़ने के बाद आपको यहां पर सेम तरीके से सेव के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे डाटा सेव सक्सेसफुली। अब यहां पर फिर से आपको होम के ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने अपलोड फोटोग्राफ की जानकारी आ जाएगी, आपको यहां से अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक करना है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे आपको सिलेक्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, पर जान लीजिए कि जो आपका फोटो का साइज है वो 50 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और जो फॉर्मेट अलाउड किए गए वो है आपका JPEG, JPG, GIF या फिर PNG। तो यहां पर मैं चूज फाइल के ऊपर क्लिक करता हूं और आपको इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। मैं यहां पर एक रैंडम इमेज अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि मैं इस फॉर्म को या फिर इस वीडियो को मैं डेमो के रूप में बना रहा हूं। तो यहां से मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं और ओपन कर देता हूं। इसके ओपन करने के बाद आप देखोगे कि आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। अब आपको अपलोड फोटो के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो जाएगी और आप उसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको फिर से होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है, तो चलिए मैं यहाँ से होम पेज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे अपलोड सिग्नेचर। अब आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है और इसको भी आपको सेम तरीके से अपलोड करना होगा, इसका फॉर्मेट भी सेम रखा गया है। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपको अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर होम पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे प्रीव्यू एप्लीकेशन। अब दोस्तों आपको प्रीव्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक इस फॉर्म के अंदर भरी है आप इन सभी जानकारी को एक एक करके चेक कर सकते हो। और अगर आपको लगे कि कहीं पर फॉर्म के अंदर मिस्टेक है तो आप उसको सही भी कर सकते हो। तो आपको केयरफुली इन सभी जानकारी को चेक करना है, और अगर आपको लगे कि कोई जानकारी गलत है तो आप यहीं पर एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो। तो ये सब जानकारी आपको चेक करने के बाद यहाँ पर नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको बैक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप बैक के ऊपर क्लिक करोगे तो आप फिर से इसी होम पेज के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट एंड कंफर्म एप्लीकेशन, तो आपको सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि आपके सामने बेसिकली डिक्लेरेशन आ जाएगा। आपको इन सभी को अगर आप रीड करना चाहते हो तो कर सकते हो। बेसिकली इसमें यही है कि आपने जो भी जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, इसमें मेरी कोई भी गलत जानकारी नहीं है। तो आपको नीचे आना है और आई एक्सेप्ट एंड अग्री टू अबो अंडरटेकिंग के ऊपर इसके सामने आपको राइट टिक करना होगा। और ये सब करने के बाद आपको एक बार लास्ट टाइम अगर आप चाहते हो तो बैक में जाकर के सभी जानकारी को कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि अगर आप मुझे बाद में कमेंट करके पूछोगे कि सर हमारे इसके अंदर ये मिस्टेक हो गई है तो बताइए कि इसको कैसे सही करें, तो कोई भी रास्ता इसको सही करने का नहीं है। इसलिए आपको श्योर होकर के फाइनल सबमिट एंड कन्फर्म एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आता है योर एप्लीकेशन नंबर इज जो कि हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, एप्लीकेशन कन्फर्मेशन इज आपको दिया गया है। आप चाहे तो इसको यहां पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि जानकारी आपके पास सेव हो जाए। अब यहां पर आपको दिया है गो बैक एंड पे रिक्रूटमेंट फीस विदाउट फेल, तो यहां पर आपको होम पेज के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस पेंडिंग के सामने आपको पे फीस ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा। अब यहां पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा और आपकी फीस का अमाउंट यहाँ पर दिया गया है। अब आपको
पे फीस के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा जहाँ से आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है। आप ये फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग, इनमें से जिस भी माध्यम से जमा करना चाहते हो कर सकते हो। आपको सिंपल से जानकारी यहाँ पर कार्ड नंबर, मंथ चूज करना होगा, ईयर चूज करना होगा, CVV या फिर CVC डालनी होगी, कार्ड होल्डर नेम डालना होगा और ये डालने के बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो नंबर आपका बैंक अकाउंट के साथ रजिस्टर्ड है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। वो OTP डालते जैसे आप ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुल करते हो या फिर कन्फर्म करते हो तो आपको 5 से 10 सेकंड के बीच फिर से इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था और इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को फिलअप कर पाओगे और इस तरह से आपका कंप्लीट फॉर्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपने नीचे वहां पर देखा था प्रिंट एडमिट कार्ड, तो उसका जो लिंक है वो एक्टिवेट अभी नहीं होगा। जब आपका एग्जाम होगा उसके 1 से 2 हफ्ते पहले आपको वो लिंक एक्टिवेट मिल जाएगा और फिर वहां से आप अपना एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाओगे। तो दोस्तों बस यही थी आपकी पूरी जानकारी PGVCL विद्युत सहायक ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ ज्ञानदेव होस्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बैल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।